तो कैसे हो आप लोग? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आप लोगों को निश्वा पैनल के अंदर में कौन सी एनगेस की देखने के लिए मिलेगी। बताने के साथ में मैं आप लोगों को निश्वा पैनल में आने वाली एनगेस की दिखाने भी वाली हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारे अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बताने वाली हूँ। आप लोगों को जो वन प्लस वन के जो आइटम्स है ये रिटर्न में कब देखने के लिए मिलेगा, आप लोगों को जो समुराई जॉम्बी समुराई बंडल है ये रिटर्न में कब आने वाला है, कोबरा MV40 रिटर्न में कब आएगी, आप लोगों को जेंसी रॉयल कब देखने के लिए मिलेगा, और आप लोगों को जो स्कॉर्पियो बंडल है ये रिटर्न में कब आने वाला है इंडियन सर्वर में, और भी बहुत सारे अपकमिंग इवेंट्स होंगे जो देख के आप लोगों का दिल का होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल पर हाथों से बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को रोज न्यू अपडेट्स की वीडियो मिलते रहेंगे जो देख के आप लोगों को मजा ही आ जाएगा। तो चलो गाइस मैं देख के करते हैं वीडियो का स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले तो देखो आप लोग के लिए एक नया इवेंट निकल के आ चुका है, जिसके अंदर आप लोग का एकेडमी थीम का ये सवाल का बंडल है, ये आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसका जो शर्ट है और इसका जो पैंट वगैरह वो अच्छा खासा लग रहा है, इसका हेयर भी आप लोग को मिल जा रहा है और सोच भी मिल जा रहा है। एकेडमी थीम में आप लोग को इसका फीमेल वर्जन भी देखने के लिए मिलेगा, जिनकी फैन के अंदर इसका लीफ आप लोग देख सकते हो। जो फीमेल का पंडल है ये बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है, और मेरे को तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है पता नहीं क्यों। और इसका जो ऊपर का टॉप जैसा जो शर्ट है और साथ में जो स्कर्ट है शूज है और हेयर तो है सारा कुछ ही मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, और मेल और जो फीमेल दोनों ही पंडल बहुत ही ज्यादा मस्त है। और इस रिंग इवेंट पे आप लोग को बैम्बू ट्री वाला जो गुलाल की स्किन है ये भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, म्यो म्यो वाली गुलाल की स्किन जिसका नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बैम्बू म्याओ वाओ क्या ही नाम है। सो ये आप लोग को तीनों आइटम देखने के लिए मिल जाएगा, साथ में आप लोग को एकेडमी थीम का जो यहाँ पे स्काई बोर्ड की स्किन है ये फिर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी। और स्काई बोर्ड की स्किन कम लग रही है इसके, मतलब इसका पीछे में जो एनिमेशन है बड़ा ही मार्क्स सेट उड़ रहा है 00 मार्क्स वाला। और इस रिंग इवेंट में आप लोग को बहुत ही अच्छी अच्छी चीज मिल जा रही है। सो अगर आप लोग को निकालना है तो आप लोग को ये जो रिंग इवेंट है ये आप लोग को इंडिया सर्वर के अंदर में 6 जून को देखने के लिए मिलेगा। 6 जून को आप लोग को इंडिया सर्वर के अंदर में ये सो एकेडमी थीम के सो बंडल्स वगैरह ये आप लोग को रिंग इवेंट के अंदर में देखने के लिए मिल सकेगा। सेम टू सेम ऐसा ही रिंग इवेंट जिसके अंदर से आप लोग मेल फीमेल का बंडल साथ में स्काई बोर्ड की स्किन और जो बंडल की स्किन है उसको आप लोग निकाल पाओगे, और मेल और फीमेल का बंडल निकालने में आप लोग का 1 से 2 हजार डायमंड जा सकता है। और बाकी इसी को आप लोग का जो इफो एक्सेस पास है आप लोग इंडिया सर्वर के अंदर में कब देखने के लिए मिलेगा, तो वैसे को आप लोग को हो सकता है MV45 अपडेट के बाद में अब जो इंडिया सर्वर है इसके अंदर में आप लोग का जो इफो एक्सेस पास है आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और बाकी गरीना वाले अब कब देंगे इसकी अभी तक कुछ भी लिंक वगैरह नहीं आई है इंडिया सर्वर में, अभी के लिए 90% चांस है कि आप लोग MV45 अपडेट के बाद में सो इफो एक्सेस पास ही आप लोग को इंडिया सर्वर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। बाकी अभी आप लोग इफो एक्सेस पास को मटिया दो, क्योंकि गरीना वाले को जब देना होगा तब देंगे। और नेक्स्ट अपडेट है कोबरा MV40 के रिगार्डिंग, तो कोबरा MV40 आप लोग को नेक्स्ट वाले जो इफो वोल्टिंग इवेंट आने वाला है तो 2 जुलाई को उसके अंदर में आप लोग को पॉसिबिलिटी देखने के लिए मिल सकता है। और 2 जुलाई को जो नेक्स्ट यूफोल रिंग इवेंट आने वाला है उसके अंदर आप लोगों को जो इफो एमरसन के जो वन के स्किन है ये भी आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। सो कोबरा MV40 आ सकता है और जो एमरसन के जो वन के स्किन है वो आ सकती है, ये दोनों में से कोई एक किन के स्किन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा नेक्स्ट इफो फोल रिंग इवेंट के अंदर। जैसे ही कंफर्म होगी तो मैं आप लोग को बता दूंगी आप के लिए पॉसिबल है। और कैसे को आप लोगों का जो स्कॉर्पियो बंडल है ये रिटर्न में इंडिया सर्वर में आने वाला है, तो स्कॉर्पियो बंडल आप लोग को रिंग इवेंट के अंदर ही टोकन टावर के इवेंट के अंदर में देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आप के टाइम में जो इफो बंडल है वो चल रहा है लुक चेंजर, उसी के जगह में आप लोग का टोकन टावर के इवेंट में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। सो नेक्स्ट मंथ आने वाला है आप लोग को 14 नहीं तो आप लोग को 16 जुलाई को आप लोग को सो स्कॉर्पियो बंडल है इसका आप लोग को टोकन टावर के इवेंट इंडिया सर्वे के अंदर में देखने के लिए मिलने वाला है। पॉसिबल डेट है 14 जुलाई, या फिर गरीना वाले डिले करते हैं तो आप लोग को जुलाई के लास्ट वीक तक जो स्कॉर्पियो बंडल है आप लोग को इंडिया सर्वे के अंदर में रिटर्न में देखने के लिए मिल जाएगा। और ये सीखो आप लोग को जुलाई मिथ में 7th एनिवर्सरी स्पेशल 120 का बंडल है आप लोग को देखने के लिए मिलने वाला है। सो ये वाला भी हो सकता है या फिर कोई और सो बनी का बंडल है इसके कलर में ही सो येलो वाला है पर्पल वाला है वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। बाकी आप लोगों को बनी बंडल के रिगार्डिंग आप लोगों को ऐसा एक फेवर देखने के लिए मिल सकता है, और इस फेवर के अंदर आप लोगों का जो आर्टी ब्लू बंडल है इसका जो फीमेल पर्सन है ये भी आप लोग को देखने के लिए मिल सकती है। और ये फेवर आप लोगों का सेम ऐसा नहीं तो कुछ और अलग ही डिजाइन में आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। बाकी बनी बंडल आप लोगों को एक देखने के लिए मिल जाएगा जुलाई मंथ में, अभी वो कौन सा आएगा वो अभी कन्फर्म नहीं हुआ,
जैसे ही कंफर्म लीक मेरे को मिलेगी तो मैं आप लोग को बता दूंगी। और गाइस आप लोगों को पता है इस अपडेट में यूनिवर्स एनमी के साथ में कोलैबोरेशन हुआ है, जिसके स्पेशली जो यूनिवर्स समुराई जो एनमी है इसके थीम में ये जो समुराई बंडल है न्यू ये आने वाला है यूनिवर्स एनमी के थीम में। सो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, सो ये जो यूनिवर्स एनमी के थीम में जो न्यू समुराई बंडल है इसको हो सकता है ना गरीना आप लोग को जो जॉम्बी समुराई बंडल है वो तो ऑलरेडी सारे सर्वर में आ चुका है रिटर्न में, और गरीना वालों ने अभी तक ये जो न्यू समुराई बंडल है और जो जॉम्बी समुराई बंडल है ये दोनों में से कोई भी जो बंडल है वो अभी तक गरीना वालों ने इंडिया सर्वर में नहीं दिया है। तो गरीना वाले ऐसे ही रिंग डिफेन का सब प्लान बना रहे होंगे, क्योंकि आप लोग वीडियो में प्लेक्सेस की जो वीडियो है वो आप लोग देख सकते हो, ये दोनों ही बंडल अभी तक इंडिया सर्वर में नहीं आया है। सो आप लोगों को जब न्यू वाला जो समुराई बंडल है वो एनमी के थीम में ये देखने के लिए मिलेगा, तब भी आप लोग को इस रिंग इवेंट में जो जॉम्बी समुराई बंडल है ये फिर आप लोग को रिटर्न में देखने के लिए मिल सकता है। और इस रिंग इवेंट में आप लोग को 100 समुराई बंडल है उसको निकालने में आप लोग ऐसे 3 से 4 हज़ार डायमंड तो लगेगा ही। और ये रिंग इवेंट आप लोग को पॉसिबल है कि अगस्त के मंथ में आप लोग को इंडिया सर्वर के में देखने के लिए मिलेगा, तो अभी 2 महीने बाकी है। और ये सीखो आप लोग का जो वन पंच मैन के जो आइटम्स है, वन पंच मैन का जो बंडल है और आप लोग को जो शॉटगन की स्किन है, फिश की स्किन है, इमोट है, वन पंच मैन के थीम में जितने भी आइटम्स है ये आप लोग को अभी रिटर्न में देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग को सारे के सारे आइटम्स जब वन पंच मैन के साथ में दोबारा कोलैबोरेशन होगा फिर से, तो जो कि आप लोग को वन पंच मैन के जो सारे के सारे आइटम्स है आप लोग को रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा। और अभी फिर से कोलैबोरेशन का ऐसा कोई भी लीक फिगर नहीं आया है, तो वन पंच के आइटम्स आप लोग को निकालना है अभी आप लोग को 5-6 महीने वेट करना पड़ सकता है, उसके बाद ही सारी एरिना वाले फिर से वन पंच मैन के साथ में कोलैबोरेशन करेंगे, क्योंकि कोलैबोरेशन दोबारा तो फिर स्टार्ट होगा जब वन पंच मैन का न्यू सीरीज या फिर न्यू वीडियो आएगी उनके, तो ऐसा कि सो फ्री फायर है उनके साथ में कोलैबोरेशन कर सकता है। और बाकी की कुछ लीक फिगर आएगी तो मैं आप लोग को बता दूंगी। और ओवन 45 अपडेट के बाद में न्यू ईफो गन आने वाले 12 फल अभी ये कैसा दिखेगा और जो न्यू ईफो गन है वो सारा ही जो रिव्यू वगैरह वो 10 जून को आएगा, क्योंकि 10 जून को जो एनिवर्सरी है वो खुल जाएगा, तो मैं आप लोग को रिव्यू करा दूंगी न्यू ईफो गन 12 फल की। और ये तो देखो आप लोग को ये तो कंफर्म है कि ओवन 45 अपडेट के बाद में जो न्यू गन आएगा ईफो वाला वो तो 12 फल की आएगी, बट ये इसका जो ईफो गन है उसका नाम यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये सो ईफो गन है पूरा एक लेक्सी थीम में जैसा रहेगा और इसका जो नाम है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, लॉरेंस साइक्लोन, क्या ही नाम है, बाकी मुझे तो इसका नाम एक भी पसंद नहीं आया। आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में बताना, और जो गन होगी वो कैसी होगी देखने में ये आप लोगों को 10 जून को दिखा दूंगी, ठीक है। और ये देखो आप लोगों को जो नेक्स्ट वेपन रॉयल की इनकी स्किन है वो आप लोगों को 26 जून को देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि 26 जून को आप लोगों को पता है ओवन 45 का अपडेट आएगा, तो अपडेट करके जाओगे तो न्यू गन की स्किन आ चुकी होगी। और जो न्यू गन की स्किन आने वाली वो आप लोगों को M60 वाली जो इनकी स्किन आप लोग देख रहे हो ये आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती 99% कंफर्म है, 1% चांस है बस करीना वाले चेंज करते तो चेंज करेंगे, फिर तो मैं आप लोगों को बता ही दूंगी। आफ्री के लिए 99% कंफर्म आप लोगों को यही देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका एडिफेस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, क्रिस्टी डबल प्लस है, रोड स्पीड प्लस है, और जो रेंज है वो माइनस है, जो एडिफेस है वो ज़्यादा अच्छा खासा नहीं है और ज़्यादा बेकार भी नहीं है, ठीक ही ठाक है और देखने में भी अच्छा खासा लग रहा है। तो आप लोग अपडेट के बाद में इस वाले इनकी स्किन को लकरवाल वॉचर या फिर गोल्ड की मदद से निकाल पाओगे, आप लोग को ये देखने के लिए मिल जाएगा। और इस फिर देखो 10 जून के बाद में मैं आप लोगों को बहुत सारी आइटम्स का रिव्यू कराने वाली हूँ, लाइक 10 जून को एनिवर्सरी खुल जाएगा तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वापस का रिव्यू 7th एनिवर्सरी में जो आइटम्स आने वाले हैं आप लोगों को फ्री में क्या क्या मिलेगा, न्यू प्रोफाइल एनिमेशन इमोट, न्यू बंडल्स, न्यू जो आप लोगों को इमोट्स वगैरह देखने के लिए मिलेगा, कौन कौन से इवेंट्स आने वाले हैं, 45 अपडेट के बाद में सो न्यू क्रिएटर आने वाली है फीमेल क्रिएटर, उसके जो एबिलिटी होगी वो सोनिया से खतरनाक होगी या फिर नहीं होगी वो फिर 10 जून को ही मालूम चलेगा। तो गाइस और भी बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं जो देख के तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मजा आ जाएगा, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और चलो गाइस मिलते हैं न्यू वीडियो में, टाटा बाय बाय।